तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आशा करता हूँ आप सब लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज, आज तुम्हारा भाई जा रहा है नैनीताल घूमने। नैनीताल में थोड़ा सा कुछ काम है, उस काम को निपटाते हैं और आपको नैनीताल का जो भी व्यू है वो दिखा दे रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक बार नैनीताल गया हूँ और वो थोड़ी देर के लिए गया था, मतलब आधे घंटे के लिए रुका था वहाँ। तो पूरा नैनीताल मैं भी अच्छे से नहीं घुमाऊँ, तो आपको आज घुमाता हूँ, तो बने रहिए। तो भाई अभी हम बात ऐसी है कि अभी हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में और अब मैंने अपना कैमरा सेटअप कर दिया अपनी बाइक में। आगे पत्थर गिरने का क्षेत्र है यार दाजू, क्या होगा? पत्थर तो नहीं गिरेंगे हैं? कैच कर लेंगे, क्या हो गया? पत्थर तो नहीं गिरेंगे? कैच कर लोगे? पत्थर कैच कर लोगे? वाह, यही पावर चाहिए मेरे को भी। द मड हाउस कैफे, हम चढ़े हैं, चढ़ाई करते जा रहे हैं। ये मड हाउस कैफे ना पॉलीकेट की फेवरेट जगह है। हाँ, वो यहाँ आता रहता है अपनी महिला मित्र के साथ। हाँ, और मैं अब उसकी ये बात है यूट्यूब पर भी डालूंगा और दर्शकों को भी बताऊंगा। और नेक्स्ट टाइम दर्शकों याद रखना पॉलीकेट। मैं आपको मिलाऊंगा पॉलीकेट से भी। ओ भाई साहब, ये क्या है यहाँ? नंबर वन आरएस, यहाँ ये पहाड़ों में भी खोल रखा है इन्होंने तो। हाँ। गजब। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा खतरनाक बना रखा है यार यहाँ। क्या लिखा है यहाँ पर? आगे पत्थर गिरने का भय है। अरे भैया, पत्थर नहीं गिराने, ये है भैया वो पहाड़ जहाँ से पत्थर गिरने का भय है। देख रहे हो, मुझे लग रहा है यहाँ गिरे भी हैं। ये देखो, छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए हैं। वो बड़ा सा बोल्डर गिरा है साइड में, ये एक बोल्डर यहाँ पर साइड में भी गिरा हुआ है। ये इसको साइड कर रखा है, देखो है ना। तो गाइस अभी हम नैनीताल को जा रहे थे और अभी रास्ते में यहाँ पर है बेलवा खान और पानी। यहाँ पर हमको प्यास लगी थी, यहाँ पर धारा है, देखो यहाँ पर शेर का मुंह दिखा रहा हूँ। देखो शेर का मुंह आ रहा है पानी, क्या गजब। और ये धारे का बिल्कुल प्योर पानी है, मिनरल रिच पानी है। इसको पी के ना कोई बीमारी नहीं होगी, आप 100-150 साल आराम से जी जाओगे। और अच्छे से अच्छे आरओ का पानी फेल है इसके सामने, तो पी के देखते हैं। तो भाई अभी हम जैसे ही नैनीताल को आ रहे थे तो देखो अभी मौसम बिल्कुल धूप का था और यहाँ नैनीताल पहुँचते बिल्कुल खतरनाक मौसम हो चुका है। बादल देखो कैसे भाग रहे हैं बिल्कुल। जब हम आ रहे थे हल्द्वानी से तो पूरी धूप लगी पड़ी थी और अभी देखो बादल कैसे भाग रहे हैं ऊपर को। बादलों को हमसे पहले हो रखी कि पहले हम पहुँचेंगे। ये देखो ऊपर से बिल्कुल भाग रहे, हॉल कहते हैं इसको, हॉल। क्या भाई फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया सा। सही है, मौसम के मजे लो, फोटो वोटो खिंचाओ जरा। ये देखो भयंकर बादल ऐसे भाग रहे बिल्कुल ऊपर को, गजब। तो भैया फाइनली वो दिन आने वाला है कि हम आज नैनीताल पहुँचेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं नैनीताल जाना है, तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया है। लेकिन ये तो मौसम, सिद्धार्थ भाई ये देख रहे हो सब स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट पहन के आ रहे हैं और हम ऐसी। यार ये बादल तो पूरे रोड में आ गए भाई साहब, ये देखो पूरा कोहरा। अभी तक तो नीचे तो चलो, फिर भी बादल ऊपर को भाग के आ रहे थे और यहाँ देखो कैसा हो रहा है मौसम। कहाँ गए हम? ताकुला बसोली तो उधर है यार, एक बागेश्वर साइड। मैं कह रहा हूँ ये रास्ता मेरे को पूरा वही याद दिला रहा है, मसूरी से आगे धनौल्टी का रास्ता बिल्कुल वैसा ही, वैसी देवदार के बढ़िया बढ़िया पेड़ और वही संकरे रास्ते, वही चौड़ी चौड़ी रास्ते। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात वही मौसम। ये देखो ये बादल ऊपर को भाग रहे ना, सेम ऐसा ही है वहाँ भी, बादल ऐसे ही भागते रहते ऊपर को बिल्कुल गोली। फिर से धूप आ गई है देखो, वाह यार ये धूप ही चाहिए भाई, ठंड से हालत ख़राब हो गई है।
तो भैया आखिरकार हम नैनीताल पहुंच गए हैं, एंटर हो गए नैनीताल में। और यहाँ और क्या ठंड, चिल्ड ठंड किस हिसाब भाई। तो अभी हमें कहाँ जाना है, कॉलेज। नैनीताल नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। ये लो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं भैया। यूनिवर्सिटी जाना है हमने अभी नैनीताल में। हम्म, तो मॉल यूनिवर्सिटी जाना है हमने अभी। ये अभी हम नैनीताल पहुंचेंगे। नैनीताल के दो पार्ट है, नैनीताल एक नैनीताल, एक नैनीताल एक नैनीताल के आगे नीचे जो पोर्शन है नैनीताल बोलते हैं। हां, ऊपर वाले पोर्शन को नैनीताल बोलते हैं। नैनीताल बोलते हैं। नैनीताल के बगल में जो रोड चल रही है जाएंगे वो माल रोड बोलते हैं। उसको माल रोड बोलते हैं। ओके, तो लोग तभी वो माल रोड में घूमने का अलग ही मजा है, मजा है कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मजा हमको भी लेना है। अच्छा, ये है माल रोड के लिए हमारी दाएं हाथ को रास्ता जा रहा है, राजभवन के लिए लेफ्ट हैंड को जा रहा है, और भवाली के लिए भैया यहाँ से 11 किलोमीटर है रास्ता। तो हमें कहाँ जाना है अभी, हमें राइट हैंड में भवाली वाली रोड में। ओह भाई साहब, फाइनली हम पहुंच ही गए नैनीताल। बोटिंग करेंगे अभी। बोटिंग का क्या सीन है, 210 रुपये दोनों का। वाह वाह, वो मछली कर रही है ऊपर को बड़म। मैंने सुना था इसमें डॉल्फिन भी डाल रखी है। अच्छा, गलत सुना था। अरे एक बार न्यूज़ में आया था पेपर में कि भैया यहाँ डॉल्फिन भी डाल रखी है करके। तो मैंने कहा डॉल्फिन डाल लेके, सच है कि झूठ है। बाइक वालों का तोड़ना होगा, कार वालों का हो। हाँ, गोवा मंगा लेना ना सीट माल रोड। नहीं, बाइक में क्या थी ये देखो भैया, नैनीताल ताल हमारे बिल्कुल बगल बगल में भाई। ये बताओ, देखो ना अंग्रेज इसको बना के गए, मतलब पहले ये ऐसे ही होगा। अंग्रेज यहाँ बिल्कुल सही तरीके से बना के गए, सोफिस्टिकेटेड। अपने लिए बनाया उन्होंने, बनाया तो बहुत ठीक है। जंग नहीं लगा, वो नहीं है, काफी अच्छे मजबूत है। ये आप हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, सब वो करते रहते हैं, वो स्कोर है सब। यही तो उस टाइम पे ऐसा काम तो नहीं होता था ना। अच्छी चीज़ बनती है। ये देखो बोटिंग का ही चल रहा है यहाँ सारा, मज़ा आया। सिद्धार्थ भाई, अच्छा ये नीचे हम नैनीताल था, अब वो होगा नैनीताल उधर। अच्छा, वो ग्राउंड नैनीताल में है, वो एक ग्राउंड भी है ना यहाँ, वो नैनीताल में ही होगा। अच्छा, नैनीताल दर्शन करा रही है भैया गाड़ी। होगा नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ठंडा भी हो रहा है भाई मौसम, बिल्कुल ठंड का एहसास भी हो रहा है। अभी अभी पता है, जब बरसात हो गई थी ज़्यादा, तो नैनीताल का पानी भयंकर रोड में आ गया था भैया यार। तो सोचो कि नैनीताल पानी कितना भर गया होगा इसमें, कि पानी ऊपर तक आ गया। रोड है बड़ी खतरनाक, भीमताल में रोड ऊपर है काफी, है ना। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम बगल में ही जा रहे हैं इसके, और भीमताल में थोड़ा ऊपर है वो रोड। हाँ, ये देखो ये क्या बढ़िया बना रखे हैं, बिल्कुल ताल में ही चिपका के बना रखे हैं बिल्कुल। कहाँ को जाना है, सीधे यहाँ क्या मेला लग रखा है क्या, कुछ तो होगा फिर भी।
तो अभी हम कहाँ पहुँच गए, तल्लीताल या मल्लीताल? मल्लीताल पहुँच गए आप ना, वहाँ जहाँ से आए हम वहाँ तल्लीताल था। सीधा जाना है ऊपर, यही तो है, है? अभी हम घूम रहे हैं नैनीताल में, वाह मजा आ रहा है बहुत। भोटिया मार्केट, भोटिया मार्केट पीछे देखिए कितना है।